हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ रेसलिंग यानी कुश्ती से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है और एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हल कराए गए हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। तो बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है। तो इसका जन्मदाता है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाली संस्था का क्या नाम है। तो इसका शॉर्ट में नाम है फीला, ठीक है, फीला, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डिवलियर्स एसोसिएशन, यानी कि विश्व कुश्ती संघ। इसको अब UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुआ 1912 में। नेक्स्ट है दोस्तों, कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1896, क्योंकि दोस्तों कुश्ती की दो कैटेगरी है, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। जो ग्रीको रोमन है वो 1896 एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया एंड फ्री स्टाइल कुश्ती 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया। इन दोनों को आप याद रखिएगा। और महिलाओं को ओलंपिक में शामिल 2004 एथेंस ओलंपिक में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कुश्ती की राष्ट्रीय फेडरेशन कब बनी। तो भारत में कुश्ती की राष्ट्रीय फेडरेशन बना 1948 में, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ WFI, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया। तो किसने किया दोस्तों, आप सबको पता है, KD जाधव जी ने। नेक्स्ट है, KD जाधव जी ने किस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। तो दोस्तों, KD जाधव जी ने 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती में 57 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए प्रथम पदक प्राप्त किए, यानी एकल प्रतियोगिता में भारत की तरफ से कोई पदक प्राप्त करने वाले पहले विजेता हैं KD जाधव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया था और इन्होंने ही सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था। जैसा कि दोस्तों, कुश्ती में ओलंपिक में कौन कौन से खिलाड़ी अभी तक में पदक प्राप्त किए हैं, जैसा कि पहला पदक कुश्ती में प्राप्त किए हैं KD जाधव जी, 57 kg भार वर्ग में 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में कांस्य पदक। उसके बाद सुशील कुमार 2008 में बीजिंग चीन में कांस्य पदक 66 kg भार वर्ग में प्राप्त किए। उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार फिर से पाए रजत पदक और योगेश्वर दत्त कांस्य पदक पाए 60 kg भार वर्ग में। एंड 2016 रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक 58 kg भार वर्ग फ्री स्टाइल में कांस्य पदक प्राप्त की और प्रथम भारतीय महिला रेसलर ओलंपिक विजेता बनी। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में दो पदक कुश्ती में भारत ने ओलंपिक में जीता, जिसमें से रजत पदक रवि कुमार दहिया 57 kg भार वर्ग में एंड कांस्य पदक
बजरंग पुनिया 65 केजी भार वर्ग में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आब इस्टकल्स शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी ए एंड बी दोनों, यानी कुश्ती और इक्वेस्टीरियन ये दोनों से संबंधित है आप इस्टकल्स। नेक्स्ट है डॉग फॉल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डॉग फॉल शब्द कुश्ती से संबंधित है। ये सभी इंपॉर्टेंट है शब्दावली दोस्तों। नेक्स्ट है क्रेडल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्रेडल शब्द भी संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट है इस्टकल्स शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये भी संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट है कुश्ती में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो सुशील कुमार को। नेक्स्ट है कुश्ती के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो यह वर्गाकार मैदान होता है, इसका लंबाई चौड़ाई होता है 12x12 मीटर। नेक्स्ट है कुश्ती में प्रयुक्त होने वाले मैट का व्यास कितना होता है। तो इसके मैट का व्यास जो बीच में गोलाकार है वो होता है उसका व्यास 9 मीटर। नेक्स्ट है कुश्ती में कितने निर्णायक अधिकारी होते हैं। तो कुश्ती में 3 निर्णायक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश्ती खेल को कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करती है। तो इसको मैं बता चुकी हूँ, उसका नाम है फीला। नेक्स्ट है फीला का फुल फॉर्म क्या है। तो फीला का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ल्यूट्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है दोस्तों कुश्ती के मैट का व्यास कितना होता है जिसमें कि चारों तरफ 1.5 मीटर का बॉर्डर होता है। तो कितना होता है, 9 मीटर का होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कुश्ती से संबंधित क्या गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको छांटना है कि इसमें गलत क्या है। पहला है सर्कल के बाहर का क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है, ये बात तो सही है। दूसरा है 9 मीटर के सर्कल के अंदर 1.1 मीटर लाल रंग का बॉर्डर होता है। तीसरा है 80 किग्रा के ऊपर की वजन का खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता है। चौथा है मैट के बीचों बीच 1 मीटर व्यास का एक सर्कल होता है जिसकी रेखाओं की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। ये तो सही है दोस्तों, इसका गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 80 किग्रा के ऊपर के वजन का खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश्ती के मैट से संबंधित क्या गलत है। यहाँ पे ऑप्शन है मैट की मोटाई लगभग 2 मीटर होती है। नहीं दोस्तों, मैट की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे एक गलत हो गया, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एंड दूसरा है ग्रीको रोमन कुश्ती के लिए मध्य सर्कल की रेखाओं की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है, ये सही है। एंड मध्य सर्कल में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लंबवत लाइन होती है। तो 2 लंबवत लाइन दिख रहा है, ये भी सही है। एंड मध्य सर्कल में जो लंबवत लाइन होती है उन्हें इनसाइड हैंडल हैंड लाइन तथा इनसाइड नी लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, बट ऑप्शन कौन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फीला के अंतर्गत निज में से क्या नहीं आता है। फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, बीच रेसलिंग, टेम्पोलिन। तो दोस्तों इसमें से टेम्पोलिन नहीं आता है और सभी फीला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वह प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैट लगाया जाता है उसकी कम से कम वह अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी होती है। तो जो प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों उसकी कम से कम और अधिक से अधिक ऊंचाई होती है 50 से 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फीला की स्थापना कब हुई। तो फीला की स्थापना 1912 में हुआ। नेक्स्ट है फ्री स्टाइल तथा ग्रीको रोमन के लिए पुरुषों व महिलाओं हेतु ओलंपिक में क्रमशः कितने भार वर्ग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
पुरुषों के लिए 7 और महिलाओं के लिए 4 भार वर्ग होते हैं। पुरुषों के लिए भार कैटेगरी होती है ओलंपिक में के लिए 55 किग्रा, 60 किग्रा, 66 किग्रा, 74 किग्रा, 84 किग्रा, 96 किग्रा, 122 किग्रा। और महिलाओं के लिए 4 कैटेगरी होती है भार 48, 55, 63, 72 किग्रा। नेक्स्ट है, अगर किसी पुरुष पहलवान का भार 66.1 किग्रा है तो वह किस भार वर्ग में प्रतिभाग करेगा? तो 66 के बाद 74 भार वर्ग आता है दोस्तों, तो 66 से थोड़ा भी ज्यादा आ गया तो वो 74 किग्रा भार वर्ग में प्रतिभाग करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से है? रेफलर सिस्टम, इपोन, कैनेडियन सिस्टम, रेप चेज मैच। रेप चेज, तो किसका संबंध कुश्ती से है? तो रेप चेज का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट है, कुश्ती में उन मैचों को क्या कहते हैं जिसमें फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के मध्य मैच होते हैं? तो उसको रेप चेज मैच बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों, रेप चेज मैच होता क्या है कि कुश्ती के किसी भी भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाले दोनों पहलवान खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के मध्य जो मैच होते हैं उन्हें रेप चेज मैच कहते हैं। फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के अलग अलग दो समूह बना दिए जाते हैं, फिर दोनों समूहों में अलग अलग मैच कराए जाते हैं, जिसमें पहले राउंड में हारे हुए खिलाड़ियों को पहला मैच खेलना पड़ता है, फिर वह क्रमशः दूसरे व तीसरे, इस प्रकार अन्य राउंड के खिलाड़ियों के मध्य मैच खेलते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों समूहों का एक एक विजेता अंत में निकल कर आता है, जिसे रेप चेज समूह का विजेता कहा जाता है। दोनों को कांस्य पदक मिलता है। इस प्रतियोगिता के पश्चात ही पहले व दूसरे स्थान के लिए फाइनल मैच होता है। और दोस्तों, कुश्ती के प्रतियोगिता में क्रमवार राउंड होते हैं, क्वालिफिकेशन राउंड, एलिमिनेशन राउंड, रेप चेज राउंड और फाइनल राउंड। नेक्स्ट है, अगर किसी भार वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या 6 से कम हो तो उनके मध्य लीग मैच होते हैं, तो उन्हें कौन सा राउंड कहते हैं? तो उसे नॉर्डिक राउंड बोलते हैं। ठीक है, जिनमें खिलाड़ियों की संख्या भार वर्ग में, किसी भार वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या 6 से कम है तो उनके मध्य लीग मैच होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कौन सा राउंड बोलते हैं? नॉर्डिक राउंड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्डिक राउंड किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। नेक्स्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी भार वर्ग में 5वीं से 10वीं रैंक स्तर पर आने वाले खिलाड़ी को सम्मान स्वरूप क्या दिया जाता है? तो उसको सम्मान स्वरूप डिप्लोमा दिया जाता है। ठीक है, 5वीं से 10वीं रैंक पर आने वाले खिलाड़ी को सम्मान स्वरूप डिप्लोमा दिया जाता है। नेक्स्ट है, फीना कैलेंडर के अंतर्गत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के भार तथा प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो हेरा चेज सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कुश्ती के एक बाउट के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? तो एक बाउट के लिए कुश्ती में 3 अधिकारी प्रयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें एक मैट चेयरमैन होता है, एक रेफरी होता है और एक जज होता है। जैसा कि दोस्तों, कुश्ती में इसका टाइम होता है एक बाउट का 3-3 मिनट के 2 राउंड। कुश्ती में क्या होता है, 3-3 मिनट के 2 राउंड होता है और प्रत्येक राउंड के बीच जो रेस्ट होता है वह 30 सेकेंड का होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, और बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे डेली प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।